साथ भजन संहिता 31 उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। ध्यान दीजिए, अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। दाऊद जानता था कि परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए अपना मानदंड कम नहीं करेगा। पाप को दंड की आवश्यकता थी। यदि पाप दंड न भोगे तो उसके स्थान पर किसी और को दंड भोगना होगा। परमेश्वर के पास एक योजना थी जिसमें वह पापियों का उद्धार कर सकता था, क्योंकि किसी ने पापों का दंड भोगा था। यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था। जी हाँ, यही कारण था कि दाऊद कहता है भजन संहिता 31 उसके दो पद में, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। हमें कंकड़ पत्थर नहीं, दृढ़ चट्टान की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 से 18 पद में यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर अर्थात चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। जिस चट्टान पर कलीसिया बनाई गई है वह प्रभु यीशु है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जी हाँ, उद्धारक प्रभु यीशु मसीह वह दृढ़ चट्टान है जिसके ऊपर हम निर्भर कर सकते हैं। मुझे एक भद्र महिला की बात याद आती है। उसने अपने उद्धार और उसके आश्वासन की चर्चा करते हुए कहा, ऐसा भी समय होता है जब मैं डरती हूँ और चट्टान पर खड़ी कांपती हूँ, परंतु मेरी चट्टान मेरे नीचे कांपती नहीं है, वह दृढ़ चट्टान है। मेरे मित्रों, दाऊद ने चट्टान की चर्चा अभी समाप्त नहीं की है। उसके पास कहने को अभी और भी है। आप इस भजन को चट्टान का संगीत भी कह सकते हैं। तो आइए हम भजन संहिता 31 उसके 3 पद को पढ़ें। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। क्या प्रभु परमेश्वर आपकी चट्टान है? क्या आज आप उन पर निर्भर हैं? क्या वह आपका गढ़ है? गढ़ सुरक्षा के लिए होता है, आपको इसकी आवश्यकता है। जी हाँ, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, इसलिए नहीं कि मैं राजा दाऊद हूँ, परंतु अपने नाम के निमित्त। भजन संहिता 31 उसके 4 पद में लिखा है, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले। हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ लोग ऐसे जाल बिछा रहे हैं। आप भी कह सकते हैं कि प्रभु मुझे उस जाल से, उस फंदे से छुड़ा ले। भजन संहिता 31 के 5 पद में लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मेरे मित्रों, हमारे प्रभु के क्रूसीकरण के समय का वृतांत है, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 46 पद में पढ़ते हैं। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। पहला मसीही शहीद स्तेफनुस के पत्थरवाह का वृतांत है, जिसे हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 59 पद में पाते हैं। वे स्तेफनुस पर पत्थरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरे प्रियो, यह बड़ी रोचक बात है कि कलीसिया के इतिहास में अनेक शहीदों ने अंतिम वाक्य यही कहा है। उदाहरण के लिए, जब जॉन हस को अवमानना का दंड दिया गया था, तब बिशप ने उसके लिए ये भयानक शब्द कहे थे,
हम तेरी आत्मा शैतान को सौंपते हैं। जॉन हस ने शांत मुद्रा में खड़े होकर कहा, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, मैं जिसे तूने मुक्ति दिलाई उसी के हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। स्मरणा में जब पॉलीकार्प को जलाया जा रहा था तब उसके शब्द भी यही थे। वर्न डे ने प्रेग के जेरोम में, लूथर ने मलाक्थन और अनेकों ने भी यही शब्द काम में लिए। मार्टिन लूथर ने वास्तव में यह कहा, धन्य है वे जो केवल प्रभु के ही लिए नहीं शहीद होते। विश्वासी होने के नाते प्रभु में ही नहीं परंतु इसी प्रकार प्रभु के साथ जैसे वचनों द्वारा जीवन की सांस लेते हैं, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। भजन संहिता 31 उसके 7 पद में लिखा है, मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। डॉक्टर गैबेलिन ने इस पद को थोड़ा बदल दिया था, तूने मेरे कष्टों को देखा है, तूने मेरी आत्मा को प्रतिकूल स्थिति में देखा है। मुझे यह अधिक अच्छा लगता है। भजनकार दो बार कहता है, यह एक महान शांतिदायक बात है कि परमेश्वर आपको कष्टों में देख रहा है। स्मरण रखें कि परमेश्वर जब इसराइल को मिस्र से मुक्ति दिलाना चाहता था तब उसने मूसा से कहा, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में देखते हैं, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाऊं। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के कष्टों को देखा था, उसने उनका कराहना सुना था, वह उनकी दुर्दशा जानता था, अतः वह उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया था। मेरे प्रियो, सुसमाचार में वह वृतांत व्यक्त है जब चेले रात के अंधकार में गलील सागर की लहरों से संघर्षरत नाव पर चले जा रहे थे। इसी संदर्भ में मरकुस लिखता है 6 अध्याय उसके 48 पद में, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वह आज भी आपको और मुझे देखता है, वह हमारे कष्टों को देखता है, चाहे वे कैसी भी भयानक कठिन क्यों ना हो, वह शांतिदायक बात कहता है। मेरे प्रियो, अब यह एक प्रार्थना है। भजन संहिता 31 उसके 9 पद में लिखा है, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मित्रों, क्या आप कष्टों में घिरे हुए हैं? कुड़कुड़ाने और सबसे शिकायत करने की अपेक्षा आप प्रभु से क्यों नहीं कहते, हे प्रभु, मैं कष्टों से परेशान हूँ। यही तो दाऊद ने भी किया। क्या आज आप ऐसा कर सकते हैं? भजन संहिता 31 के 15 पद में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मेरे दिन तेरे हाथ में है, यह बड़ी ही रोचक अभिव्यक्ति है। मनुष्य पराया हस्तरेखा पढ़वाने जाते हैं, उन्हें रेखाओं के विषय जानकारी दी जाती है, यह रेखा इसकी, यह रेखा उसकी, आदि आदि बातें हैं। यह है तो व्यर्थ की बात परंतु जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन है। कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए इस प्रकार के काम कर सकते हैं और वे जो पैसे लुटाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा साधन है। सच तो यह है कि मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। ये हाथ क्रूस पर कीलों से छेदे गए थे। मैं उसके हाथों में अपने पाप देखता हूँ और वे एक चरवाहे के कोमल हाथ हैं। उसने एक खोई हुई भेड़ को उठाया और कंधों पर रखा। मेरी सुरक्षा और देखरेख उसी के हाथों में है।
वह एक दिन आएगा और आशीषें साथ लेकर आएगा और वही हाथ आशीष हमें देगा। मेरे मित्रों, मैं अति आनंदित हूँ कि मेरा समय उसके हाथों में है। भजन संहिता 31 उसके 16 पद में लिखा हुआ है, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, यह एक मनोहर अभिव्यक्ति है। प्राचीन समय में एक इब्रानी के टीकाकार ने कहा, परमेश्वर का चेहरा उसका अभिषिक्त हमारा मसीह है। परमेश्वर आत्मा है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है या कैसा अनुभव करता है या वह कैसे काम करता है, परंतु प्रभु यीशु यहाँ आया कि हम पर परमेश्वर को प्रकट करे। वह परमेश्वर का चेहरा है। उसके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। एक छोटी बालिका को उसकी माता ने बिस्तर में सुला दिया। जब वह रोने लगी तब माता ने उससे कहा, सो जा, परमेश्वर तेरे साथ है। परंतु वह अपनी माता को ही चाहती थी कि वह वहां रहे। माँ ने फिर उससे कहा, चुप हो जा, परमेश्वर तेरे साथ है। उसने कहा, मैं जानती हूँ वह है, परंतु मुझे उसका चेहरा देखना है। मेरे मित्रों, हम सबको यही चाहिए। हम सब बच्चों को किसी का चेहरा देखना है। प्रभु यीशु चेहराधारी परमेश्वर है जिसे हम देख सकते हैं। भजन संहिता 31 उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। परमेश्वर की भलाई कैसी महान है। क्या आपने कभी किसी से कहा कि परमेश्वर कैसा भला है? भजन संहिता 107 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मेरे प्रियो, मनुष्य सबके बारे में बात करता है, पड़ोसी, बच्चे, माँ बाप, अपने बॉस, प्रचारक, परंतु परमेश्वर के बारे में, उसकी भलाई के बारे में अधिकांश जन कोई भी चर्चा नहीं करते हैं। ओह, वह कैसा भला है। वह अंतिम समय कब था जब आपने किसी को परमेश्वर के बारे में, उसकी भलाई के बारे में बताया है? क्या आपको याद है? मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भजन संहिता 32 उसके परिचय को, जिसका विषय है निर्देशों का भजन। इस भजन को आत्मिक रत्न कहा गया है। इसके उपरांत भी इसे गलत समझा गया है। इसका शीर्षक है दाऊद का भजन। मश्किल या मश्किल का अर्थ है निर्देश देना या बुद्धि ग्रहण करना। इब्रानी भाषा का यह शब्द विशेष करके तब काम में लिया जाता था जब इसराइल के भविष्य की बात की जाती थी। मैं आज के सेमिनरियों अर्थात बाइबल कॉलेज के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता जब वहां विद्वानों और प्रगतिशील कार्यक्रमों के साथ बौद्धिकता का वातावरण है। वे केवल बौद्धिक बातों पर बल देते हैं। अच्छा होगा कि वे इस भजन पर ध्यान दें और समझें कि परमेश्वर की योजना में इसराइल का भविष्य है, परंतु इसके लिए उन्हें आत्मिक अभिषेक की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप देखें यह शब्द मश्किल इसराइल के संबंध में कैसे काम में लिया गया है। दानियल नबी के पुस्तक 11 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, लोगों को सिखाने वाले अर्थात मश्किल बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। और तब 35 पद में वह कहता है, और सिखाने वाले मश्किल में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी क्योंकि इन बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। दानियल नबी की पुस्तक 12 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तब सिखाने वालों अर्थात मश्किल की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तब हम देखते हैं 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, बहुत से लोग तो अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही
करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान मुश्किल है वे ही समझेंगे। हम मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15 पद में भी पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु इसराइल के भावी कष्टों के विषय में कहते हैं, इसलिए जब तुम उसे उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे मुश्किल। प्रभु के कहने का अर्थ था कि दानियल द्वारा पूर्व कथित उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जब मंदिर में देखी जाए, तब जान बचाकर भागने का समय होगा। मैं नहीं जानता कि यह घृणित वस्तु क्या है। मैंने कुछ विद्वानों की पुस्तकों में पढ़ा है, इस विषय में लिखा है, परंतु अध्यायों के पश्चात वे यही प्रकट करते हैं कि वे नहीं जानते कि वह वस्तु क्या है। मैं इसे एक वाक्य में कहता हूं, मैं नहीं जानता यह क्या है। मैं इस घृणित वस्तु को देखने की प्रतीक्षा में हूं। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु की प्रतीक्षा में हूं। ध्यान दीजिए कि मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15 पद के अंत में प्रभु यीशु ने कहा था, जो पढ़े वह समझे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 6-18 में महाक्लेश का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अध्याय 13 में दो पशुओं और वैश्विक शासक का उल्लेख किया गया है। वहां लिखा है, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3 अध्याय उसके 18 पद में, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसके अंक 666 हैं। इस अंक 666 के ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है? मेरा उत्तर है, मैं नहीं जानता। इस विषय पर जितनों ने लिखा है वे सोचते हैं कि वे जानते हैं, परंतु वे भी नहीं जानते। यह वह दिन होगा जब परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट होगा। अतः भजन संहिता 32 मुश्किल का भजन है। यह परमेश्वर के मानने वालों के लिए निर्देशन है। इस समय यह भजन हमारे लिए निर्देशों का भजन है। जी हाँ, भजन संहिता 32 को पश्चाताप का भजन भी कहा गया है और दाऊद का अंगीकार भी, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भजन संहिता 51 दाऊद के पश्चाताप का भजन है, अंगीकार का भजन है, जब नातान ने उससे कहा था, तू ही वह मनुष्य है, जिसे हम दूसरा शामिल के पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। उस भजन में वह क्षमा की याचना करता है। भजन संहिता 32 क्षमा प्राप्ति और उसके पुनरुद्वार की धन्यवाद का विवरण है। भजन संहिता 51 12-13 पद में दाऊद कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। मेरे मित्रों, दाऊद यहाँ प्रतिज्ञा करता है कि यदि परमेश्वर उसे पापों की क्षमा दे तो वह पापियों को उसका मार्ग समझाएगा, और भजन संहिता 32 में दाऊद यही करता है। अतः यह भजन पश्चाताप का नहीं परंतु निर्देशन का भजन है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह भजन हमें निर्देशन देता है ताकि हम उसके अनुसार से चल सकें।